आज जो हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर हमारा है थर्ड, जिसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, आर्थिक प्राणी विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में हम देख रहे हैं, जिसकी इकाई हम द्वितीय, जिसमें सबसे पहले आज जो हम लेने वाले हैं, हम जो हमारी द्वितीय इकाई है यूनिट सेकेंड के अंतर्गत, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है हिस्ट्री स्कोप एंड जनरल प्रैक्टिस ऑफ पर्ल कल्चर, मोती पालन के लिए आज चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड यूनिट से है, जिसमें आज हमें इसका इतिहास देखना है और उसकी कार्य क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए आज का हमारा एजेंडा शुरू करने से पहले, ये यूनिट सेकेंड है हमारा और यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आज जो हम देख रहे हैं हिस्ट्री स्कोप एंड जनरल प्रैक्टिस ऑफ पर्ल कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में, परिचय स्टार्ट करने से पहले कुछ कहानी के ऊपर चलते हैं हम लोग। एक श्लोक के माध्यम से हम इसे समझेंगे। आज पढ़ना हमें जो है वो मोती का इतिहास पढ़ना है। मोती एक वो रत्न है जो सब रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ और सुंदर रत्न माना जाता है। ठीक है, मोती के लिए बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा पल है वो अंडाकार शेप में, जिसका ओरिजिनल जो शेप है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, एक तरफ से फ्लैट होता है और पूरा अंडाकार होता है, और इसकी चमक जो होती है वो सतरंगी वेब्योर जो कलर है वो हमें दिखाई देता है। अलग अलग जाति के अलग अलग मोती होते हैं और हिंदू संस्कृति के अनुसार मोती का विशेष महत्व है। तो आज जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक श्लोक के माध्यम से इसे समझेंगे कि मोती के लिए एक श्लोक लिखा हुआ है, मोती का इतिहास आज से हजारों वर्ष पूर्व ही था, और समुद्र से निकलने वाले वो पत्थर हैं या एक विशेष प्रकार का मूल्यवान पत्थर जिसको मोती का नाम दिया और उस मोती के आभूषणों को हमने ग्रहण किया। तो एक श्लोक के माध्यम से, कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। मतलब यहाँ पर हमने किसको हाईलाइट किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर बात की है, जो करैक्टर है किसका, स्वाति नक्षत्र के तहत जब वर्षा की बूंद अलग अलग, जैसे सबसे पहले कदली, सर्प और मोती जो आपका पल है, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं सीपी, ये तीन चीजें हैं,
पर यहां पर तीनों में एक ही बात बताई है कि स्वाति नक्षत्र के तहत पानी की बूंद जब कदली पर जाती है तो कपूर बनाती है, सर्प पर गिरे, सर्प के मुख में गिरे तो विष, और सीपी में गिरे तो वो मोती का निर्माण करती है। ना ये छोटी क्लास में हम पढ़कर आ चुके हैं इस श्लोक के बारे में। तो जैसी संगति में जो रहेगा वैसा ही उसमें असर आएगा। तो ये तो हमने एक विषय वस्तु के अनुसार इस मोती की बात की है। अब जो हमें देखना है मोती इस प्रकार से दिखाई देता है, हम देख सकते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं इस पल की बात कर रहे हैं जो हमने किसी धातु में ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर सिल्वर में यूज़ करते हैं पल को। ये पल है जिसको अलग अलग मान्यताओं के अनुसार मनुष्य धारण करता है, या तो इसे चंद्रमा में धारण करेगा या फिर इसमें धारण करेगा। तो पल मन की शांति, क्रोध को शांत करने के लिए ऐसी साइकोलॉजी है कि इसको पहनने से या शरीर से टच करने से इसे इस प्रकार से पहना जाता है जिसके माध्यम से क्रोध को शांत किया जाए। तो ये तो अलग अलग गणना थी। तो इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ से बना, तो उसके लिए भी हमने देखा है। और हिंदू मान्यता हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि मोती जो हैं वो चंद्रमा के आंसू हैं, और जिससे क्या बना, पल का निर्माण हुआ। जब चंद्रमा के आंसू गिरते हैं तो वो कहाँ गिरते हैं, पानी में, और वो पानी किसमें, सीपी से होता हुआ मोती का निर्माण करता है। तो ऐसा तो संभव है नहीं, पर ऐसी मान्यता छोटी जब हम जब छोटे थे तब हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ सीखा है। उससे पहले हम पल को देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, मोती कहीं ना कहीं औषधि के रूप में आया है और आभूषण के रूप में विशेषकर आया है जिसका हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है। तो सबसे पहले उसके इतिहास के लिए हम चर्चा करें, उससे पहले हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे। आइए आज का जो हमने एजेंडा देखा है, मोती संस्कृति का इतिहास, कार्य क्षेत्र एवं सामान्य प्रथाएं। अभी हमने सामान्य प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, अब बात करेंगे उसका परिचय, मोती संस्कृति का इतिहास एवं कार्य क्षेत्र और संदर्भ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं इतिहास के लिए बात करें, मोती संवर्धन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पल कल्चर। मोती का इतिहास अति प्राचीन है, प्राचीन भारतीय एवं चीनी साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक साहित्य के अनुसार मोती को आर्यों का आगमन से पूर्व ही लगभग 1500 BC जाना जाता है। मकदनियों साम्राज्य के समय से ही फारस की खाड़ी, ठीक है, में मोती की मत्स्यकी की का प्रचलन था। संवर्धित मोती की उत्पत्ति चीन में जो कल्चरल मोती था जिसको पालने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेसिंग कर रखी थी या जो प्रोसेसिंग की थी वो चीन की 13वीं शताब्दी में हुई, और वहाँ पर छुओ निवासी थे जिनका नाम जिन योंग ने इसकी खोज की, और मोती की उत्पत्ति स्वच्छ जल की सीपी, फ्रेश वाटर वेसल में किसी विजातीय द्रव्य के प्रवेश करा देने से की जाती है। इस खोज के बाद 1890 तक मोतियों का व्यावसायिक उत्पादन संभव नहीं था। मोती संवर्धन की संपूर्ण प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम जापान में हुई, जो कि वर्तमान में मोती संवर्धन का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। किकिचो मिकिमाटो ये जापान के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1890 में टाबा द्वीप पर एक ऑस्टर फॉर्म की स्थापना की, ठीक है ना। हम यहाँ पर कोकिचो मिकिमाटो की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करना है, सबसे पहले 13 जो सेंचुरी थी वहाँ पर चीन में सबसे पहले इनके बारे में बताया गया, और उसके बाद जापान इसका मुख्य केंद्र माना गया था। किकिचो मिकिमाटो
ने कहां पर? टाबा एक द्वीप था, वहां पर एक शुक्ति संवर्धन ऑयस्टर जो कल्चर था उन्होंने देखा, और सबसे पहले उन्होंने बताया कि सीपी के अंदर सीपी के अंदर बाहर से प्रविष्ट करवाने के पश्चात एक ऐसे पदार्थ जो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है, मोती में परिवर्तित हो जाता है, उसके बारे में चर्चा की। आइए, 1890 में जापान के टाबा द्वीप पर एक शुक्ति फॉर्म ऑस्टर फॉर्म की स्थापना की। प्रारंभ में इन्हें ऐच्छिक सफलता नहीं मिली, परंतु 1893 में पहली बार इन्हें इसके बाद तब तक सफलता मिली जब तक उनके द्वारा पाले गए शुक्तियों में से एक शुक्ति के अंदर मोती निकला। इसके बाद मिकी माटो ने विविध मोती संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया। आज मिकी माटो को जापान की मोती उद्योग का जनक के रूप में माना जाता है। भारत में 1938 में मद्रास मत्स्यकी केंद्र मद्रास फिशरी सेंटर द्वारा मन्नार की खाड़ी गुल्फ ऑफ मन्नार तथा गुजरात का सिक्का है ना, गुजरात में सिक्का क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि द्वारा व्यापक स्तर पर मोती का संवर्धन के प्रयास किए जा रहे, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली है। इसके बाद केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 1959 में कच्छ तथा मन्नार की खाड़ियों में एक सर्वेक्षण द्वारा मोती बैंकों को चिन्हित किया गया, और इसी संस्थाओं के प्रयासों से 25 जुलाई 1973 को पहला संवर्धित मोती उत्पादित किया गया। तो अभी तक हमने इतिहास के बारे में देखा, इतिहास कहाँ से हुआ, आर्य से हुआ है, वैदिक साहित्य से हुआ है, और कहाँ तक, 21वीं सदी तक, उनमें कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट हुआ ही है। तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखनी है कि फादर ऑफ पल कल्चर कौन है, तो मिकी माटो, और वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो जापान से बिलोंग करते हैं, जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। जापान में मोती उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और किसे जाना जाता है, मिकी माटो को, ठीक है। ये छोटे शॉर्ट नोट में हमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है, पल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोती या पल। मोती शब्द लैटिन शब्द के पेरुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नाशपति, जो मोती के आकार के अनुसार मोती की सुंदरता आराधना का एक उद्देश्य है और धन का एक बोरोमीटर है, ठीक है। मोती को 9 रत्नों में गिना जाता है। इसकी चमक को बाहर लाने के लिए किसी कटिंग या पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी दुनिया में मोती लोक कथाओं का विषय रहा है, जिस पर हमने एक श्लोक के माध्यम से बताया, ऐसे हजारों श्लोक होंगे। यह सबसे आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक का विषय है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक, जो हम बात कर रहे हैं अभियांत्रिकी के अंतर्गत, जो हम देख रहे हैं आधुनिक मोती संस्कृति के उत्पादन और विकास का श्रेय जापान को जाता है। प्रारंभिक सफलता 1893 में किकिचो मिकी माटो ने हासिल की, जिन्हें पल किंग या फादर ऑफ पल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक सफलता से मोती संस्कृति की तकनीक विकसित और सिद्ध हुई है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पल की मीनिंग देखी, हिस्ट्री देखी, ठीक है। छोटे शॉर्ट नोट में फिर पूछा जाता है किंग ऑफ पल या पल ऑफ किंग कौन है, तो या फादर ऑफ पल कल्चर इंडस्ट्री के लिए तो किकिचो या कोकिचो मिकी माटो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोती के प्रकार, ठीक है। तो मोती के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स. पहला है नेचुरल, प्राकृतिक मोती जो प्रकृति से प्राप्त हो. दूसरा है कल्चरल पल, संवर्धित मोती जिसको मानव धारा बनाया जाता है, एंथ्रोपोजेनिक है या कल्चर करके बनाया जाता है. और तीसरा है आर्टिफिशियल. कृत्रिम, ये मोती नहीं होता है मोती, पर मोती के समान दिखाई देने से इसे कृत्रिम मोती का नाम दिया जाता है. ये पल फिश के स्केल या किसी प्लास्टिक या किसी पत्थर से बनाए जाते हैं. ठीक है, ये पल ओरिजिनल, ये पल ओरिजिनल, ये पल डुप्लीकेट होता है. ठीक है, तो ये तीन प्रकार के संवर्धित मोती हैं जिनके बारे में हम हमारी जानकारी प्राप्त करते हैं. आइए, पहला है नेचुरल. सीप की मांसपेशियों या उत्तकों के भीतर किसी ठोस या आकस्मिक घाव के आकस्मिक प्रवेश द्वारा सीप या मसल्स के भीतर प्राकृतिक मोती बन सकते हैं. उत्पन्न मोती को प्राकृतिक मोती कहा जाता है और इनके आकस्मिक उत्पत्ति के कारण यह बहुत दुर्लभ होता है. ठीक है ना, मोस्टली समुद्र के नीचे गहराइयों में पाए जाने वाले जो सीपी हैं, वहां पर जो पाए जाने वाले पल हैं वो हमें नेचुरल मोती के रूप में पाए जाते हैं. संवर्धित मोती की बात करें, संवर्धित मोती मानव के हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हैं, पहले ही बता दिया आपको. ठीक है, जब मोती का उत्पादन मोती बनाने वाले कस्तूरी या मसल्स की संस्कृति प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है. और कृत्रिम मोती, इस तरह के मोती एक कृत्रिम चमक के साथ प्लास्टिक, कांच, मछली के शल्क आदि के बने सस्ते एवं नकली होते हैं, जिन्हें मोती तो कहते हैं पर यह मोती नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, देखेंगे ये सीपी हैं, प्रोडक्शंस हैं और इस तरह के हमें मोती दिखाई देते हैं. ठीक है ना, जैसे एकोया पल, उससे इस तरह के हमें पल मिलते हैं. साउथ सी पल, ठीक है, जिनके कलर ऐसा है. ब्लैक पल, फ्रेश वाटर पल या चाइनीज पल, और लास्ट है मीलो पल, एकदम येलोइश कलर का होता है. तो ये इस प्रकार के टाइप्स ऑफ मोती के लिए बता रखा है. नेक्स्ट आता है पल प्रोडक्शन मोलस्कंस. कौन कौन से मोलस्कंस पल को प्रोडक्शंस करते हैं? कोई भी मोलस्का जिसका खोल के आंतरिक सतह पर मां मोती की परत, मतलब मेंटल जो लेयर है, आमतौर पर मोती पैदा करने में सक्षम होती है. हालांकि एक गहने के रूप में मोती केवल कुछ प्रजातियों द्वारा ही उत्पादित किया जाता है, जो कि नीचे सूचीबद्ध है. सबसे पहले हम देखें समुद्री मोती सी पल के लिए, तो पल सी पेंटिडा फेंटा, पेंटिडा मार्गेरिए फेरा, पेंटिडा मैक्सिमा. मोती सीप की तीन प्रमुख जातियां हैं और बेहतर गुणवत्ता वाले मोती प्रदान करती है. ठीक है, पहला हमने देखा पेंटिडा फ्यूकोडा, जिसे गोल्ड, इसे आमतौर पर भारतीय मोती या सीपी के रूप में जाना जाता है. सबसे पहले भारत में पी वल्गेरिस के रूप में जाना जाता था और जापान में पी मॉर्टिस के नाम से जाना जाता था. इन दोनों प्रजातियों को अब पी फुकुटा के रूप में जाना जाता है. इसके वितरण भारतीय उपमहाद्वीप, जापान, फरास की खाड़ी, भारत के कुछ यह क्षेत्र हैं जैसे कच्छ की खाड़ी, गुजरात के तट, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के तट, ठीक है, में होता है. मन्नार की खाड़ी में इस सीप की उत्पन्न प्राकृतिक पद्धति एच लिंगा के मोती तथा ओरिएंटल मोती थे. पेक्टिडा फ्यूचोटा इंटरटाइल क्षेत्र में 12 फीट की गहराई होती है और यह 9 सेंटीमीटर के आकार तक बढ़ता है. ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है पेक्टिडा मार्गेरिटिफेरा. ठीक है, ये लीनियस, जब सीपी को आमतौर पर ब्लैक
पर्ल सीपी के रूप में जाना जाता है। इसका बहुत व्यापक वितरण है। भारत में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आंतरिक क्षेत्र में होता है। ब्लैक लीप पर्ल सिर्फ शेल ऊंचाई लगभग 17 मीटर तक की बड़ी होती है। नेक्स्ट है पैक्टिडा मैक्सिमा जेमसन। पैक्टिडा मैक्सिमा के लिए बात करें, इस सीप को आमतौर पर गोल्ड लीप या सिल्वर लीप पर्ल सीप के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के सभी मोती कस्तूरी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। इसका वितरण प्रतिबंधित और ऑस्ट्रेलिया, प्यूपा, न्यू गिनी, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया में देखा गया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी होता है। एम उटुडा मैक्सिका निम्न ज्वार के स्तर से लेकर लगभग 40 फीट की गहराई तक होता है। प्रजातियां लगभग 28.2 सेंटीमीटर व्यास तक बढ़ती है और गोल की जोड़ाई का वजन 5.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मन्नार पैक्टिडा प्रजातियां। निम्न मन्नार पैक्टिडा प्रजातियां को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जहां तक मोती उत्पादन का संभव है। तो विंड सीप है, विंडोपेन सीप है। ठीक है, नेक्स्ट है सी मैमल्स, जिंट, विशालकाय क्लैम्स, गैस्ट्रोपॉड्स। ठीक है, तो ये तो हमने फ्रेश मैराइन वाटर देखा, आप देखेंगे फ्रेश वाटर के लिए। ठीक है, तो फ्रेश वाटर के लिए बात कर रहे हैं। मीठे पानी के मोती का उत्पादन सिंघी ताजा पानी के मसल्स द्वारा किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले कुछ उल्लेखनीय प्रजातियां जापान की हिरोपियस शिलेगैली, चीन की क्रिस्टिशिया प्लेक्टिटा और लॉमलेंस की प्रजातियां हैं। भारत और दक्षिण एशिया में लेमिलिट्स मार्जिनिलियस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैक्टिडा फ्यूकोटा की कुछ जातियां इस प्रकार से दिखाई देती हैं। नेक्स्ट ब्लैक पर्ल मैक्सिमा इस प्रकार से। नेक्स्ट ब्लैक टिप पर्ल ऑयस्टर। नेक्स्ट माइनर स्पीसीज ऑफ द पैक्टिडा। नेक्स्ट अब आता है मोती का उत्पादन मोलस्कन। तो यहाँ पर है गुल्फ ऑफ मन्नार और गुल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो इनकी बात करने से पहले हम देख लें मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं हमारा ये वाला जो क्षेत्र है और तो ये तो है गुल्फ ऑफ मन्नार। और ये हमारा है गुल्फ ऑफ कच्छ। ये हमारा आता है गुजरात और ये हमारा आता है तमिलनाडु में। तो ये दोनों जो क्षेत्र हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा क्या है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक होता है फ्रेश वाटर और ये फ्रेश वाटर कहाँ जाता है मैराइन वाटर। तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा रीजन है किसका पर्ल ऑयस्टर के लिए जिसको छिछले पानी की आवश्यकता होती है और जिस क्वालिटी की पानी की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो हम देख सकते हैं कि मन्नार की खाड़ी में श्रीलंका के साथ मन्नार की खाड़ी में भारतीय मोती मछली पालन बेहतरीन गुणवत्ता के सच्चे प्राप्त मोती पैदा करता है। इस क्षेत्र की प्रजाति पैक्टिडा फ्यूकोटा 1922 में हॉर्नले की कुल 72 मोती बैंकों को सूचीबद्ध किया जिन्होंने पॉर्स के नाम से जाना जाता है। वेरी पॉर का अर्थ होता है बहुत नीची प्रोफाइल के कठिन मैदान एक पेच। ये पार भूमि से 10 से 16 समुद्री मील की दूरी पर समानांतर लाइन में स्थित और उत्तर से पबरन कराई पहाड़ मन्नार की खाड़ी से दक्षिण में
पद पेरिया पार तक फैला हुआ। इन 72 बिस्तरों के अलावा इनके इनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में किसी भी समय किसी भी मछली की उपज नहीं हुई है। सामान्य तौर पर थोल्यूरम की पार कोडामुथ समूह और कुरवाल समूह की मोती मछलियां अन्य की तुलना में मोती के उत्पादन में अपेक्षाकृत संगत रही है। उन्हीं मोती मत्स्य के पालक से दूर पालक की खाड़ी में स्थित है जो कि आर्थिक रूप से एक सफल मछुआरे नहीं है, जैसा कि सीप के रूप में है मन्नार की खाड़ी की तुलना में हीन गुणवत्ता वाले हैं। कच्छ की खाड़ी में हम बात करें लगभग 42 मोती सीपी की चट्टाने जिन्हें खड्ड के नाम से जाना जाता है। कच्छ की खाड़ी के आंतरिक क्षेत्र जामनगर जिले के तटरेखा से घेरते हैं और पूर्व में अचानक से पश्चिम के अचानक तथा लगभग 24,000 हेक्टर का कुल क्षेत्र कवर किया हुआ है। एआई अड्ड का अर्थ है मिट्टी और रेत का मिश्रण के साथ मूंगा और चट्टानों क्षेत्र का एक कठिन तल। पैक्टिडा फ्यूकोटा प्रजाति की मोती सीप यहाँ पर पाए जाते हैं जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले बात करते हैं हम इस क्षेत्र को, ये तमिलनाडु से लेकर और हमारे पास श्रीलंका, तो ये वाला है गुल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ वाला आप क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पर फिशरीज के लिए जो है मोती पालन के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है, जिसमें राम सेतु। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो कवरिंग एरिया है यहाँ तक ये गुल्फ ऑफ मन्नार है, तो यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ की बात करें हम तो ये गुजरात के जामनगर जिले से, ये देखिए ये यहाँ पर इसको शो कर रहा है जो कि अरब सागर अरेबियन सी, ठीक है, तो गुल्फ ऑफ कच्छ के लिए यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्षेत्र हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे उत्पादन क्षेत्र है जिसमें यहाँ पर हम बात करें 72 और यहाँ पर हमारे पास कम से कम 42 बैंग हैं मोती पालन, है ना। तो अभी तक हमने पहले इसका हिस्ट्री एंड स्कोप के लिए बात की है। अंतिम में हम इसके रेफरेंसेस के लिए बात करेंगे। इकोनॉमिक जूलॉजी जिनके लेखक है डॉक्टर जी एस शुक्ला एंड डॉक्टर वी बी उपाध्याय रस्तोगी पब्लिकेशन से, अप्लाइड जूलॉजी एन अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से, अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एंड डॉक्टर के सी सोनी CBC पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर 7424843007 और यह हमारा ईमेल आईडी एड्रेस है bihscollege@20@gmail.com, ठीक है, धन्यवाद।